हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये MySQL का 9th वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे वाइल्ड कार्ड के बारे में। तो ये एक स्पेशल सिंबल है जो फिल्टरिंग में मदद करता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के वेबसाइट पे जाते होंगे और अगर आपको कोई लैपटॉप ख़रीदना है तो आप देखते होंगे कि डेल लैपटॉप, HP लैपटॉप, बहुत तरह का क्वेरी आता है। दो तरह का वाइल्ड कार्ड होता है, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। परसेंटेज का मतलब होता है कि एनीथिंग, मतलब कि कुछ भी डेटा को रिट्रीव करे, और अंडरस्कोर का मतलब होता है सिंगल डेटा रिट्रीव करे। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेरी करती हूँ, मैं सेलेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट नेम फ्रॉम यूनिवर्सिटी टेबल से, वेयर फर्स्ट नेम लाइक, मैं सिंगल कोटेशन में डालती हूँ SO परसेंटेज। इसका मतलब क्या है कि मैं फर्स्ट नेम को सेलेक्ट कर रही हूँ यूनिवर्सिटी टेबल से, जहाँ की फर्स्ट नेम SO के बाद कुछ भी लिखा हो वो रिट्रीव करके दे दे। तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे गो पे हिट कर रही हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि SO के बाद जो भी डेटा है, चाहे वो सोनम हो, चाहे वो सोनाली हो, चाहे वो शोभना हो, सारा डेटा रिट्रीव करके हमें दे दिया। तो आपको ये परसेंटेज साइन का मतलब समझ में आएगा कि कोई भी डेटा SO के बाद हो वो रिट्रीव कर दे। तो मैं सेकंड क्वेरी करती हूँ और इसमें मैं कह रही हूँ कि परसेंटेज AM, इसका मतलब कि AM के पहले कुछ भी लिखा हो, चाहे AM के बाद कुछ भी लिखा हो, उस डेटा को रिट्रीव करे। तो मैं गो पे हिट कर रही हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि AM के पहले SON लिखा है वो, और AM के पहले और बाद में जो लिखा है वो डेटा रिट्रीव हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज साइन क्या करता है। चलिए थर्ड क्वेरी मैं करती हूँ। तो थर्ड क्वेरी में मैं लिख रही हूँ कि M परसेंटेज I, इसका मतलब कि जो भी डेटा M से शुरू हो, फर्स्ट लेटर, और I से एंड हो, वो सारे डेटा को रिट्रीव करे। तो मैं यहाँ सिटी सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो इसका मतलब कि मैं सेलेक्ट कर रही हूँ सिटी यूनिवर्सिटी टेबल से, जहाँ पे सिटी फर्स्ट लेटर M हो और लास्ट एंड I से हो। तो यहाँ मैं गो पे हिट कर रही हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो डेटा रिट्रीव हुआ है जिसका फर्स्ट लेटर M हो और एंड हो आई से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज वाइल्ड कार्ड क्या करता है। तो मैंने कहा था कि दो तरह का होता है, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। तो चलिए अब अंडरस्कोर के बारे में जानते हैं, जो कि सिंगल कैरेक्टर को ही रिट्रीव करके देता है। तो उसका क्वेरी लिखते हैं। मैं यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ पासवर्ड को फ्रॉम यूनिवर्सिटी टेबल से, वेयर पासवर्ड लाइक सिंगल कोटेशन में और अंडरस्कोर पास @001। अब मैं बताती हूँ कि ये क्या हो रहा है। मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और इस गो पे हिट कर दे रही हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि पासवर्ड को सेलेक्ट करें यूनिवर्सिटी टेबल से, जहाँ की पासवर्ड अंडरस्कोर का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, मतलब उसके आगे कोई भी सिंगल कैरेक्टर हो उसको रिट्रीव करके दे दे। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो आप मेन जो डेटा हमने डाला है उसमें आप देख सकते हैं कि पासवर्ड का फर्स्ट लेटर जो भी है वो रिट्रीव करके दे दिया है 001। मगर आप यहाँ देख सकते हैं कि 001 यहाँ पे भी है 001, इसलिए फर्स्ट और सिक्स दोनों रिट्रीव हो गया। मगर यहाँ पे भी देखिए पासवर्ड @001 है, मगर ये रिट्रीव नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि अंडरस्कोर मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर। मगर आप देख सकते हैं कि ये 12 है, इसलिए ये डेटा रिट्रीव नहीं हो पाया है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये 12 भी आए तो इसके लिए आपको परसेंटेज साइन लिखना होगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे आगे में क्या लिखना होगा, परसेंटेज। तो गो पे हिट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अब वो रिजल्ट भी आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज और अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड कितना हेल्पफुल है क्वेरी करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।